नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्टाई में। लगातार आपकी मुलाकात जनता से करवा रहे हैं, आज भी हम आपके साथ सीधी मुलाकात जनता की करवा रहे हैं। आइए जानते हैं इनका एक्सपीरियंस डेरा सच्चा सौदा के बाद जुड़े रहने के बाद का। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? प्रिया। मैम कितने टाइम से डेरा सच्चा सौदा में आ रही हैं? माँ, 3 पीढ़ियाँ हो चुकी है हमारे डेरा सच्चा सौदा सिरसा से जुड़े हुए। जब से हम पैदा हुए हैं तभी से यहाँ आ रहे हैं। 4 साल के थे जब गुरुजी से नाम लिया, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। यहाँ सारी सच्चाई दिखाई जाती है, जो सच है वही दिखाया जाता है। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है जो लोग बोलते हैं या कुछ करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ जो हमें गुरुजी सिखाते हैं, हमें पता है कि वो हमारे सच्चे बाप हैं, वो हमें सब कुछ सही सिखाते हैं यहाँ। मैम आप क्या बोलना चाहेंगे, आपका कुछ एक्सपीरियंस डेरा सच्चा सौदा के बाद जुड़े रहने का? हमारा सिर्फ यही एक्सपीरियंस है, हमें तो ये है कि अगर हम डेरा सच्चा सौदा से ना जुड़े होते तो आज पता नहीं हम कौन सी गंदगी में पड़े होते। गुरुजी हैं जिन्होंने हमें बचा रखा है, हम सही सलामत हैं और गुरुजी की वजह से हम यहाँ खड़े हैं। जो कुछ भी हैं गुरुजी की वजह से ही हैं। मैम कुछ साल पहले संत जी पर कुछ आरोप लगाए गए थे, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? वो सारे आरोप झूठे हैं। वो जो हमारे पॉलिटिशियन हैं या फिर कुछ ऐसे हैं बेबुनियाद चिट्ठियाँ हैं उन पे हैं, कोई प्रूफ नहीं है उनके पास। हम यहाँ कब से आते हैं, हमने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा, किसी और ने कुछ नहीं देखा। 7 करोड़ संगत है, किसी ने कुछ नहीं देखा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैम क्या समाज को संत जी की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे ये नई नई बीमारियाँ आ रही हैं, अगर संत जी यहाँ हुए तो वो ये सब कुछ ठीक कर सकते हैं। वो ही मतलब एक है, वन और ओनली है, जो वर्ल्ड में एक पर्सन है जो सारे वर्ल्ड को अच्छा बना सकते हैं, बीमारियों से रहित कर सकते हैं। मैम अभी कुछ टाइम पहले 23 दिन के पैरोल पर संत जी अपने यूपी बरनावा आश्रम में आए, तो वहाँ आकर उन्होंने कौन से कार्य किए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वहाँ आकर उन्होंने 3 और नए कार्य चलाए हैं, जैसे कि वृक्ष लगाना, सबका भला करना और गर्भवती औरतों को पौष्टिक आहार देना। पहले भी बहुत सारे कार्य चलाए गए हैं, चौथी मानव भलाई के कार्य हैं, उनमें से और बढ़ावा दिया जा रहा है। और जैसे कि मतलब पिताजी ने बोला है कि तिरंगा लहराओ, सब कुछ करो, देश की आन बान शान के लिए अपनी जान तक दे दो, यही कुछ सिखाते हैं। और उन्होंने 30 दिन की पैरोल में बहुत कुछ सिखाया है और 18 लाख जीवों को नाम देकर उनको इस दुनिया से रहत किया है। मैम एंड में आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगी? हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि उनको जल्दी से जल्दी रिहा करें, ताकि वो आकर दुनिया सृष्टि सबका भला कर सकें। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि हम हैं सारी दुनिया जानती है, अब तो लगभग सबको पता चल गया है कि वो क्या चीज़ हैं, खुद खुदा हैं वो। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि वो जल्दी से जल्दी हमारे गुरुजी को रिहा करें। जी धन्यवाद। जैसा कि आप सबने देखा कि इनकी सिर्फ एक ही अपील है कि संत जी जल्द से जल्द बाहर आने चाहिए। इनके लिए संत जी इनके ईश्वर समान हैं, जिन्होंने कुछ गलत कार्य नहीं किया है। यदि संत जी समाज में आएंगे तभी ही बुराइयों को इस समाज से दूर किया जा सकता है। इन्हीं फैक्ट्स को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ द फैक्ट टाइम में। धन्यवाद। Subscribe to our channel and press the bell icon.